अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोयटा में इस टाइम माशाल्लाह ज़बरदस्त बारिश हो रही है और ये जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये संडे की इवनिंग का टाइम है। मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशगवार हो गया और मेरी ज़राए मुझे बताते हैं ज़ियारत में भी बर्फ़बारी जो है वो हो रही है, तो वहाँ भी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है और खुशगवार है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ से वीडियो आ जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। फ़िलहाल तो आप ये जो मंज़र देख रहे हैं ये कोयटा का मंज़र है और कोयटा में इस टाइम ज़बरदस्त बारिश हो रही है माशाल्लाह से। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और ये है कि अभी बारिश शुरू हुई है। मैं ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था तो शाम का टाइम है। मैं यही सोचा, मैंने कहा मेरे नाज़रीन जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं आई एम बलूचिस्तान के, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि कोयटा का मौसम इस टाइम बहुत खुशगवार है। अच्छा जी, रास्तों के हवाले से थोड़ा सा अपडेट करता हूं कि कोयटा के जो रास्ते थे कराची टू कोयटा आज जो था वो स्ट्राइक थी। करीबन 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक स्ट्राइक थी रोडों पर। मेरी अभी इत्तला मुझे मिली है कि रोड खुल गए हैं, स्ट्राइक ख़त्म हो गई है आज के लिए, तो यही बता रहे हैं। अगले कुछ दिनों में स्ट्राइक का बिल्कुल भी बताया नहीं गया है फ़िलहाल, तो जो लोग बर्फ़बारी देखना चाहते हैं उनके लिए मौका है, वो कोयटा और ज़ियारत का रुख करें। और मैं आपसे ज़रूर, आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कराची टू कोयटा ट्रैवल करें तो नेशनल हाईवे पुलिस के हेल्पलाइन से आप मालूमात करेंगे तो आपको एक्यूरेट मालूमात मिलेगी कि हाईवे की क्या पोजीशन है। ठीक है जनाब, तो बहुत शुक्रिया और किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। शबीर अहमद जी सबसे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।